तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं इस खतरनाक से लॉस सैंटोस के शोरूम में, जहाँ पे मिलती है बहुत सारी खतरनाक बाइक्स। यहाँ पे सिर्फ बाइक्स ही मिलती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके पास एक $100 मिलियन की बाइक्स भी है। वो बाइक मुझे देखनी है, मैंने आज तक कभी $100 मिलियन की बाइक नहीं देखी और मेरा बचपन से सपना था बाइक खरीदने का, तो आज मैं सोच रहा एक बाइक भी खरीद लूंगा। अंकल मुझे एक बाइक खरीदनी है। अरे बेटा कौन सी बाइक खरीदनी है तुम्हें? कौन सी बाइक? आओ देखते हैं इनके पास कौन कौन सी बाइक। और गाइस ये देखो ये कैसी अजीब सी बाइक है, ये तो एक चांद के शेप की मून जैसी बाइक लग रही है मुझे। और गाइस यहाँ पे इनके पास एक फ्यूचरिस्टिक बाइक भी है, और ये देखो ये भी कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। और ये तो एक बैटमैन की बाइक है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाइस ये देख सकते हो इनके पास एक फ्री फायर वाली बाइक भी है, और इनके पास ये कैमल वाली बाइक भी है। तो गाइस इनके पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बाइक है, पर मुझे चाहिए ये $100 मिलियन वाली बाइक। इसमें एक मिनी गन है, इसमें कटर है, पीछे भी देख सकते हो कितने खतरनाक स्पाइक्स लगे हुए हैं। ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सर 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 मुझे ये $100 मिलियन बाइक की टेस्टिंग करनी है। नहीं सर, आप $100 मिलियन की टेस्टिंग नहीं कर सकते, वो बाइक टेस्टिंग के लिए नहीं है। पर मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी है, फिर ही तो मैं इसको खरीदूंगा। सर मुझे आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है आप ये बाइक खरीद सकते हो। बात तो सही है, मैं ये बाइक तो नहीं खरीद सकता। रुको और किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, हम $100 मिलियन की टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते। ये वाली बाइक मुझे बहुत ही मस्त लग रही है, क्यों ना इसकी टेस्ट ड्राइव ली जाए। सर आप सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर जा सकते हो टेस्ट ड्राइव के लिए। हाँ, टेंशन मतलब सिर्फ 10 किलोमीटर के, मैं तो 100 किलोमीटर जाने वाला हूँ। तो गाइस अभी हमें बाइक मिल चुकी है, मैंने अंकल को बोला टेस्ट ड्राइव करनी है, पर इस गाड़ी को मैं चुराने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मैंने सोच लिया उस शोरूम से आज मैं सारी की सारी बाइक चुराऊंगा, उस $100 मिलियन वाली को भी। तो गाइस अभी मैं वापस से जा रहा हूँ शोरूम में, जहाँ से हमने वाली बाइक चुराई थी। और गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा हुलिया अपना बदल लिया है, कोई भी मुझे पहचानने नहीं वाला, ये अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। हेलो सर मुझे एक बाइक खरीदनी है। ए काले लड़के, मेरी वाली बाइक का जो तुम लेके गए थे। कौन सी बाइक? मैं तो पहली बार इस शोरूम में आया हूँ। झूठ मत बोलो, ये टोपी पहनने से तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मेरी बाइक वापस लाके दो। अरे गाइस इससे तो मुझे पहचान लिया। अरे सर मेरी बात सुनो, वो बाइक यार पुलिस वालों ने मेरे से ले ली। क्या पुलिस वालों ने? क्यों? अरे मेरे पास बाइक चलाने का लाइसेंस नहीं था ना, इसलिए उन्होंने मेरे से ले ली। क्या तुम बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे थे? वो तो आपने दी थी ना, मैं क्या करूं? अभी मुझे दूसरी बाइक खरीदनी है, आप मुझे देखने दो। तो गाइस देखते हम दूसरी बाइक कौन सी खरीद सकते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे पता चल चुका है तुम एक चोर हो और तुमने मेरी बाइक चुरा ली। मेरी बाइक के पैसे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे सर मैं तो बाइक खरीद आया हूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे ये वाली बाइक खरीदनी है। ये बाइक $1 मिलियन की है, क्या तुम खरीद सकते हो? हाँ मैं खरीद सकता हूँ, बताओ आपका अकाउंट नंबर बताओ। हाँ लिखो। अबे क्या लिखो, ये ले निकल यहाँ से। तो गाइस इसको भी अपने मार दिया, फटाफट से यहाँ से बैठते हैं और ये वाली बाइक लेके यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी $1 मिलियन की बाइक हमें मिल चुकी है, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। अबे क्या ही जंप मार रही है। तो गाइस हमने एक और बाइक चुरा ली, और मुझे लगता है वो मैनेजर अभी थोड़ी देर के बेहोश है, तो मैं और भी बहुत सारी बाइक जल्दी जल्दी चुरा सकता हूँ। तो फटाफट से इसको छुपाते हैं और चलते अपनी अगली बाइक ढूंढने। तो गाइस अभी हम वापस से शोरूम में घुसने वाले हैं, और गाइस अभी मैंने भाड़े पे पुलिस के कपड़े ले ली है। एक सेकंड, यहाँ पे तो एम्बुलेंस भी आ रखी है। अरे यार गाइस मुझे बिल्कुल ढंग से जाना पड़ेगा। अरे सुनो सुनो, यहाँ पे क्या चल रहा है, इतनी एम्बुलेंस क्यों है? अरे पुलिस वाले भैया देखो ना, मेरे भाई को किसी ने मेरे शोरूम में घुस के मार दिया। क्या, ये आपका भाई है? हाँ सर ये मेरा भाई है, किसी गधे ने आके मेरे भाई को मार दिया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे किसी को गधा नहीं बोलते, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है। नहीं सर वो गधा ही होगा जिसने मेरे भाई को मारा, एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे किसी की हड्डी मत तोड़ना, मुझे बहुत दर्द होगा। क्या सर आपको दर्द होगा? मेरा मतलब है उससे बहुत दर्द होगा, ये केस मेरे पे छोड़ दो। डॉक्टर्स आप इसका इलाज करो, फटाफट इसको लेके जाओ। और मुझे देखने दो क्या यहाँ पे चोरी वोरी तो नहीं हुई है, यहाँ से एक बाइक गायब है, लगता है यहाँ पे चोरी भी हुई है। अरे गाइस इनको तो मैंने पागल बना दिया, इनको लग रहा है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। एक काम करते हैं, ये वाली बाइक चुरा लेते, इनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मुझे रिसर्च के लिए ये वाली बाइक लेके जानी पड़ेगी। ओके सर आप कुछ भी कीजिए, बस उस चोर को पकड़िए।
आप टेंशन मत लो, उस चोर को मैं पकड़ लूंगा। अरे काइजर हम तो निकल गए, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। अरे काइजर ये पुलिस वाले बन के चोरी करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इजीली हमें ये वाली बाइक मिल चुकी है। उसके भाई को हमने पागल बना दिया और ये अजीब सी दिखने वाली बाइक हमें मिल चुकी है। तो काइजर पिछली बार इतना ज्यादा इजी था कि मैं वापिस से वही सेम कपड़े पहन के आ चुका हूँ। अगली बाइक, अरे ये तो असली पुलिस है, हमें भागो यहाँ से, यहाँ पे तो असली पुलिस आ गई। तो काइजर अगर वो पुलिस वाले मुझे देख रहे थे तो मैं पक्का पकड़ा जाता, पर मैं बच गया, यहाँ पे पानी में कूद चुका हूँ। अब मैं बाइक कैसे चुराऊंगा, रुको रुको मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो काइजर अभी मैंने यहाँ पे देखा पीछे शोरूम में एक और रास्ता है, यहाँ से पानी से ऊपर मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे इनकी बोट भी खड़ी है। तो काइजर अभी हम यहाँ पे ऊपर आ चुके और पुलिस वाले मेन गेट पे खड़े थे और पीछे से एक और गेट निकल रहा है। तो काइजर मुझे एक बाइक चुरा के इसी रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो सिर्फ पानी पानी, मैं बाहर कैसे जाऊंगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पर कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस बाइक को चुराने की, चलो फटाफट से चलते हैं। और काइजर आप देख सकते हो सामने कितनी सारी पुलिस खड़ी है और मैं सोच रहा हूँ ये कैमल वाली बाइक चुराऊं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है और मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा महंगी भी होगी, तो इसको बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और काइजर इस बाइक को हमने उठा लिया, पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको मेरे पास एक आइडिया है। तो काइजर मेरा आइडिया ये है कि मैं इस पूरे गेट को यहाँ पे ब्लास्ट करने वाला हूँ, 1 2 3। तो काइजर मैंने सोचा था ये ब्लास्ट हो जाएगा पर इस ग्लास को तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। तो काइजर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सीधा सामने से घुस के इनको पुलिस वालों को उड़ाते उड़ाते यहाँ से निकलने वाला हूँ इस खतरनाक से कैमल वाली बाइक से। 3 2 1 हट जा पुलिस वाला। और काइजर हमारा कैमल निकल चुका है और बच गया, मुझे लगा था सीधा पानी के अंदर जाऊंगा। अरे कहां जा रहा है, ये बोट नहीं है ये। और काइजर आखिरकार हमने इसको यहाँ से बाहर निकल लिया, इतने सारे पुलिस वालों से बचते बचाते हम आ चुके बाहर और ये कैमल वाली बाइक हमें मिल चुकी है जो कि सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं सोच रहा हूँ इस कैमल वाली बाइक को आप में से किसी को दे दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आपको ये कैमल वाली बाइक चाहिए तो, और आपके घर पे पहुंच जाएगी ये खतरनाक सी कैमल वाली बाइक। तो काइजर रोड से तो बहुत बार हमने एंट्री कर ली और अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी क्योंकि वहां पे बहुत सारी पुलिस खड़ी है, इसलिए मैं आ चुका हूँ हेलीकॉप्टर में। मैंने बाइक बेच के इतना सारा पैसा कमा लिया कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद सकता था, तो अगली बाइक को चुराने के लिए मैंने हेलीकॉप्टर खरीदे। एक सेकंड, कोई मेरे ऊपर मिसाइल मारने वाला है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, किसी ने मिसाइल मार दी खुदो। अरे ये क्या हो गया, किसी ने हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल मार दी। वो तो अच्छा मेरे पास पैराशूट है, ये पुलिस वाले तो मिसाइल लगा के बैठे। ये देखो सामने अभी भी बहुत सारे पुलिस वाले खड़े। रुको मुझे इसके छत पे लैंड करना पड़ेगा ताकि ये पुलिस वाले मुझे देख ना पाए। और काइजर बढ़िया सी लैंडिंग हमने कर ली है और इनको पता तो है कि मैं छत के ऊपर हूँ तो ये मुझे मार भी सकते हैं और ये मेरा बेचारा हेलीकॉप्टर भी पूरा फूट चुका है। तो काइजर लगता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इन पुलिस वालों से हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो काइजर अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, इन सारे पुलिस वालों को हमें मारना ही पड़ेगा। और मेरे पास एक मस्त रास्ता, मैं यहाँ से जंप करूंगा, इनको मैं दिखूंगा नहीं। अरे गिर गया। और इन पुलिस वालों की ऐसे की तैसी हट जा, सारे पुलिस वालों को मार दूंगा। तो काइजर हमारे पीछे 5-स्टार पुलिस बढ़ गई है, उससे पहले कि वो यहाँ पे आए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और काइजर अभी मैं लेके जाने वाला हूँ ये बैटमैन वाली बाइक। ये बैटमैन वाली बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर गन भी लगी हुई है, तो सामने कोई पुलिस वाला आएगा तो मैं उसको आराम से मार भी पाऊंगा। और ये बाइक तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है ये बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी भी बिकने वाली है क्योंकि ये बैटमैन की बाइक है, इसके अंदर गन है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। तो काइजर पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, हमें यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। सामने मुझे पुलिस की गाड़ी भी दिख रही है, एक बार इसको ब्लास्ट करके देखते हैं इस खतरनाक सी बैटमैन वाली गन से, देखते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल है ये ले इस पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, इसके सारे टायर मैंने पंचर कर दिए, लगता है बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और काइजर आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे स्पाइक्स लगा रहे थे, अरे ये क्या, मेरा तो टायर ही पंचर हो गया, सामने वाला टायर देखो ब्लास्ट हो चुका है। अरे यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, बैटमैन वाली बाइक हमें बचा ले। और ये क्या, इसमें तो बूस्टर भी है, अब तो ये पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो काइजर पहले ये टॉपिक इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, हम आराम से बाइक चुरा पा रहे थे, पर अब यहाँ पे तो मिलिट्री वाले आ चुके हैं। आप देख सकते हो मिलिट्री के टैंक, बहुत सारे मिलिट्री वाले यहाँ पे आ चुके और यहाँ पे पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और इन्होंने सोचा होगा कि अब मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, पर चोरी तो मैं करके रहूंगा। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के यहाँ पे आ चुका हूँ, इन मिलिट्री वालों से बचते बचाते मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये टैंक देखो कितने ज्यादा खतरनाक है, चलो फटाफट से चलते हैं, सामने बहुत सारे मिलिट्री वाले खड़े हैं, मुझे बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा, इनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही वो चोर हूं जो सारी की सारी बाइक चुरा रहा हूं। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते,
अंदर बहुत ही बड़ी चोरी हुई है, कौन हो तुम? यहाँ पे मुझे जो दीवार टूट गई है उसको बनाना है, तो आप मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं जा सकते तुम अंदर। सर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो आपकी जॉब जा सकती है, क्योंकि मुझे लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने बोला है शोरूम को ठीक करने के लिए। क्या, प्रेसिडेंट को? अच्छा ठीक है जाओ जाओ। हाँ सर, ओके सर, बाय सर। ऑफिसर्स इसको देखते रहना ये क्या कर रहा है। अरे काइजर ये क्या हो गया, ये तो अपने ऑफिसर्स को भेज रहा है मेरे पीछे पीछे, ये मेरा ध्यान रखेंगे हमेशा। तो काइजर अभी आप देख सकते हो ये दोनों ऑफिसर मेरे जस्ट पीछे खड़े मेरा ध्यान रख रहे हैं, और यहाँ पे मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, इस खड्डा कर दूंगा जमीन में फालतू में, पर करना तो पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ से ये वाली बाइक को चुरा के निकलना है, पर कैसे निकलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो काइजर अब मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मेरे पास एक आइडिया है, सामने वाले जो मिलिट्री ऑफिसर है उनका मेरे पे ध्यान नहीं है, बस इन दोनों मिलिट्री ऑफिसर को मारना, ये ले टकले और इस टकले को मारते हैं। तो काइजर इनको तो मैंने मार दिया, फटाफट से इस खतरनाक सी बाइक इधर बैठते हैं। अरे ये तो उठ गया, यहाँ से निकलो। अरे काइजर आगे से तो हम नहीं निकल सकते, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब क्या होगा मुझे पता नहीं, हम सीधा जाने वाले पानी के अंदर। ये क्या, अरे ये बाइक तो पानी के ऊपर चलती है, अगर मुझे पहले पता होता कि ये बाइक पानी पे चलती तो मैं कब से निकल जाता इसको लेके। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये वाली बाइक तो पानी पे भी चलती है। एक सेकंड, क्या ये रोड पे चलती है? ओ हाँ ये तो रोड पे भी चलती है। तो काइजर अब बारी आ चुकी है उस 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक को चुराने के लिए, और उसके लिए मैंने एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाया। मैं बनाऊ एक स्कूल टीचर, और मैं बहुत सारे स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ इन मिलिट्री वालों को चकमा देने के लिए। अभी देखो मेरा प्लान कितना खतरनाक है। तो अभी आप देख सकते हो मैं लग रहा हूँ ना बिल्कुल एक खतरनाक सा टीचर। आ जाओ बच्चों। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हमारी बच्चा पार्टी पूरी आ चुकी है, और हम सब मिलके दावा बोलने वाले हैं शोरूम पे। अरे मुझे तो आगे जाने दो बच्चों, चलो फटाफट से दावा बोलते हैं। अरे ये क्या चल रहा है, इतने सारे बच्चे, ऑफिसर्स पकड़ो इनको। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे अंदर ले चलो। बहुत बढ़िया, सारे ऑफिसर्स को मारते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइजर इतने सारे बच्चे की मुझे धक्का दे दे के अंदर ही भेजे, टकले साइड हो जा। और काइजर अब बारी हमारी 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक की। तो काइजर आखिरकार हमें ये बाइक मिल चुकी है, सारे मिलिट्री वालों को यहाँ से मारते हुए चलते और निकलते इधर से। और काइजर इस वाली बाइक में बस बढ़िया बढ़िया जंप भी है, ये देखो ऐसे हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं, और बूस्टर तो इस बाइक में वैसे ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और काइजर इस गाड़ी का लुक तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक है, पीछे बहुत सारे स्पाइक्स, और ये क्या पीछे तो पुलिस वाले को हेलीकॉप्टर आ रहा है। अरे काइजर लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या, दो हेलीकॉप्टर मेरा पीछा कर रहे हैं। चलो काइजर फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और सामने देख सकते हो कितने सारे पुलिस वाले। अरे ये कहां से आ गए, कहां से निकलूं? और बच गया, इन सारे पुलिस वालों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास खतरनाक सी लेजर वाली गन है जो कि इनका भड़ता बना देगी 2 सेकंड में। और ये देख सकते हो सारे पुलिस वालों को मार दिया, और ये गाड़ी भी हमने ब्लास्ट कर दी। चलो काइजर फटाफट से यहां से निकलते हैं। एक सेकंड, लगता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि सामने बहुत सारे पुलिस वाले। ये क्या स्पाइक्स, और ये काइजर बच गया, पिछली बार हमारा टायर पंचर हो गया था, पर इस बार हमारे पास थी मस्त सी बाइक जिसने हमें जंप करके हमें बचा लिया, और बहुत सारे पुलिस वाले सामने खड़े, हमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक खतरनाक सी बाइक है जो कि बड़े बड़े जंप करती है। तो काइजर अभी भी ये हेलीकॉप्टर हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लगता है पीछे छुड़ाने पड़ेगा, और पीछे छुड़ाने के लिए हमें पहाड़ी पे जाना पड़ेगा ताकि बाकी पुलिस वाले नहीं आए, और इन हेलीकॉप्टर से हमें कैसे भी करके बचना पड़ेगा, और उसके बाद ये 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक हमारी होने वाली है। चलो फटाफट से यहां से निकलते हैं, ये हेलीकॉप्टर से मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे मुझे नहीं लगता। फटाफट से यहां से निकलते हैं फुल बूस्टर लगा के। और काइजर पीछे देख सकते हो एक भी हेलीकॉप्टर हमारा पीछा नहीं कर रहा, मतलब ये 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक भी हमारी हो चुकी है। तो काइजर अभी हम आ गए दुनिया की सबसे सेफ जगह, और यहाँ पे सारा का सारा बाइक का कलेक्शन हमारा आ चुका है। ये हमारी मस्ती ऊंट वाली बाइक, ये अजीब से दिखने वाली बाइक, ये फ्यूचरिस्टिक बाइक, और ये मस्त वाली बाइक, और ये हमारी 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक, ये पानी में चलने वाली बाइक, बैटमैन वाली बाइक, और ये मस्ती बाइक। तो काइजर मैं बताता हूँ ये सारा का सारा बाइक का कलेक्शन हमने कहाँ पे रखा है, दुनिया की सबसे सेफ जगह लॉस सैंटोस का पुलिस स्टेशन। जी हाँ ये लॉस सैंटोस का पुलिस स्टेशन है, और इसके ऊपर हमारे सारी बाइक्स खड़ी है। एक सेकंड, लगता है पुलिस वालों ने मुझे देख लिया। अरे भागो यहाँ से, ये पुलिस वालों ने मुझे कैसे देख लिया, लगता है मुझे ये पहचानने लग गए। अरे काइजर मुझे कहीं पे छुपना पड़ेगा। तो काइजर मैं तो जा रहा हूँ छुपने। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना ऐसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और काइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो करना। और काइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।